यूपी के बरेली में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर रविवार को गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष प्रवेश कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी चौराहा महात्मा गांधी प्रतिमा के एक पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग की, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू की है, जो शिक्षक कर्मचारी समाज को स्वीकार नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ व अन्य समृद्ध संगठनों के आंदोलन, ज्ञापन एवं वार्ता के माध्यम से सरकार का ध्यान बार बार आकृष्ट कराया गया, परंतु अभी तक कर्मचारियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु कोई प्रगति नहीं हुई। सर, मेरा नाम सुमन है और ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद से मैं ब्लॉक अध्यक्ष। आज हमारी बस यही मांग है कि NPS को हटा के OPS लाए, जो सबके लिए वही हमारे लिए भी हो और बुढ़ापे का सहारा भी है। और हमारा कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं कर रहा है कि सरकार के विरोध में, सरकार के पक्ष में, सरकार को संग में लेते हुए हमें अपनी मांग रखनी है और शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे और यही चाहेंगे कि सरकार हमारी बात को सुने और पुरानी पेंशन को लागू करे। सर, सर अभी यहाँ से निकलनी हमारी पदयात्रा शुरू होगी, DM ऑफिस तक निकालेंगे हम लोग। अभी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोई भी हमें नारा या नारेबाजी या कुछ भी सरकार के विरोधी में कुछ नहीं करना है, उनको संग में लेते हुए अपनी मांग को रखना है और बाकी देखते हैं उनकी क्या मंशा है हमारे OPS को लेके। सर, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।